और राजस्थान के भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा में आने वाले गंदे पानी से निजात दिलाने में प्रशासन पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। इसके कारण आपको बता दें, धारूहेड़ा में रहने वाली 50,000 की आबादी परेशान है। 3 सितंबर को रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित जंगल बेबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में जयपुर और चंडीगढ़ के अधिकारियों की बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 3 महीने के बाद समाधान का आश्वासन दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के समाधान के लिए प्लान बना दिया गया है, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रेवाड़ी पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 पर गांव महेश्वरी के पास भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के चलते हाईवे पर तालाब जैसे हालात बने हुए हैं। और इसके लिए आपको बता दें, इसके खिलाफ यहां के व्यापारी और ग्रामीणों ने हरियाणा और राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और ये जिस हाईवे पर हम खड़े हुए हैं, रेवाड़ी पलवल हाईवे संख्या 919 है। लगातार तमाम नेता दावे करते हैं कि आखिर जो जल निकासी की बात है, भिवाड़ी से निकलने वाला गंदा पानी, उसका समाधान किया जाएगा। करीब 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक भी ली और तमाम आदेश दे के 1 महीने के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। समीक्षा बैठक भी हुई, लेकिन आज तक हालात जस के तस बने हुए हैं। मैं एक बार अपने साथी को कहूंगा, एक बार दिखाए कि आखिर किस तरह के हालात हैं और आखिर जो दावे किए जाते हैं, दावे यहाँ आकर किस तरह से दम तोड़ते हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर निकलना तो बेहद दूर की बात है, आप समझ सकते हैं किस तरह से बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। हम यहाँ पर इन ग्रामीणों से भी बात की, इन्होंने कहा कि करीब 6 महीने से इस तरह के हालात हैं, लेकिन तमाम दावे जरूर होते हैं लेकिन जमीनी हालात है कि बदलते नहीं है। इसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर समस्या का समाधान हो क्यों नहीं पा रहा। क्योंकि तमाम दावे जरूर होते हैं, बैठक भी होती है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तमाम मुद्दों को उठाया जाता है, तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं समस्या का समाधान करने के दावे भी तमाम करते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आखिर किस स्तर पर लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं समस्याओं के समाधान के नाम पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश कौशिक है और 6 महीने से लगातार ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। हरियाणा राजस्थान कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं करता है, आए दिन डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये देखो, ये बच्चा सुबह पड़ गया है मोटरसाइकिल लेके, डेली ऐसे कई हादसे होते हैं यहाँ पे। जिम्मेदार किसको मानते हैं? तमाम जिम्मेदार यहाँ पे दोनों सरकार है, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, राजस्थान सरकार भी जिम्मेदार है, हमें यहाँ पे बीच में फंसा रखा है। कब से पानी यहाँ पे भरा हुआ? 6 महीने से पानी लगातार यहाँ भरा हुआ है, 1 मिनट के लिए भी पानी यहाँ पे कम नहीं हुआ है। आप व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? व्यापारी नहीं, हम मकान मालिक हैं, यहाँ के दुकान मालिक हैं, हमारे किराएदार यहाँ से दुकानें छोड़ छोड़ के खाली करके जा रहे हैं इस पानी की वजह से। जिस तरह से